हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटीग्रेशन इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दैट इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन अगर आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वो फंक्शन आ जाएगा तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कुछ रूल्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के सिमिलरली देन वी विल प्रैक्टिस सम एग्जाम्पल्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके okay, सो so हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है क्या है इंटीग्रेशन इज़ अ इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन अगर आपको कोई फंक्शन गिवन दिया हुआ है और उसकी डेरिवेटिव गिवन दिया हुआ है तो उसको अगर हम डेरिवेटिव को दोबारा से इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास दोबारा फंक्शन आ जाएगा सेम दिस थिंग इज रिटन ओवर हेयर द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरीवेटिव इज गिवन जिसका डेरीवेटिव दिया हुआ है अगर हम उस डेरीवेटिव को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास दोबारा से वो फंक्शन आएगा ये चीज़ हमारी इंटीग्रेशन कहती है अब यहाँ पे मैंने एक कंपेरिजन लिखा हुआ है इट इज ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का कम्पेरिजन है विद इंटीग्रेशन सो कैसे है एग्जाम्पल समझते हैं ओके सो वी नो दैट अगर हमारे हमें क्वेश्चन uh, में डिस्टेंस गिवन दिया हुआ है और वी वॉन्ट टू फाइंड अ विलासिटी और विलॉसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं उस डिस्टेंस को क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन आफ्टर दैट हम एक्सेलेशन फाइंड कर सकते हैं विलॉसिटी से बस हमें क्या करना है विलासिटी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में ऑपोजिट होता है हमारे पास एक्सेलेशन होगी डी वाई बाई डी टी जब उनको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास विलॉसिटी आएगी उल्टा चल रहा है विलासटी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस उसी यहाँ से ही पता चल रहा है कि डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द इनवर्स प्रोसेस अगर डिस्टेंस जो है इसका डेरिवेटिव विलासिटी है तो अगर विलासटी को हम दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आएगा जैसे यहाँ पे एक्सेलेशन क्या है विलासिटी का डेरीवेटिव है तो हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास दोबारा से वही फंक्शन मीन्स विलासटी आ जाएगी तो वो आपके पास आती है वो मैंने आपको एरो से ही रिप्रेजेंट किया है नेक्स्ट है आपको ये इंटीग्रेशन के बारे में ये याद रखनी है कि इसको हम एब्रीवेट कैसे करते हैं ये इंटीग्रेशन का साइन आता है किसके विद रिस्पेक्ट टू तो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हम साथ में लिखेंगे जैसे डेरिवेटिव का था अगर हम डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो नीचे लिखते थे डिनोमिनेटर में डी और अगर हम डी वाई वा, वा को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू तो टी तो हम डी लिखते थे बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको साथ में लिखना है अगर डी के साथ कर रहे हो डी के साथ लिखोगे अगर डीएक्स के साथ कर रहे हो तो डीएक्स के साथ तो ये इट इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन आई होप दिस थिंग इज क्लियर सो इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन सो इसको स्टार्ट करते हैं बेसिक रूल्स पढ़ेंगे देन देन आफ्टर दैट वी वी प्रैक्टिस द ट्रेग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज उनके प्रैक्टिस करेंगे सो आई एम गोइंग टू राइट अ फार्मूलाज देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ओके सो दीज आर द बेसिक फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास वन टर्म है उसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वहाँ पे अगेन एक्स आ जाएगा ठीक है सेकेंड रूल इज अगर आपके पास एक्स की बार एन है और उसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो क्या करना है जो पार है उसमें एक वन ऐड करेंगे और वही पार को उठा के नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना है सेकेंड रूल थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास टर्म में कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई है जैसे ऐसे लिखा होगा टू एक्स क्यूब यहाँ पे अगर कांस्टेंट साथ में आया हुआ है कॉफिशेंट है तो क्या करना है आपको उस कांस्टेंट को बाहर निकालना है बाकी टर्म को इंटीग्रेट कर दो तो बाकी टर्म को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो डी एक्स तो क्या आएगा x की जो पार है एन प्लस वन वही उठा के नीचे लिखनी है एग्जाम्पल करते हैं कि एग्जाम्पल से और क्लियर होगा तो मेरे पास क्या दिया हुआ है वन बाय अंडर रूट एक्स इसको मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो सबसे पहले मैं लिखूंगी आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ओके सो अंडर रूट है डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या आएगा माइनस वन बाई टू साथ में dx और इंटीग्रेशन का साइन सो इन रूल क्या पड़ा हमने जो भी एक्सपोनेंट टर्म होगी उसमें हम क्या करेंगे वन ऐड कर देंगे और वही पार उठा के आप नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे माइनस वन बाई टू में मैं क्या करूँगी प्लस वन कर दूंगी और वही पार उठा के नीचे लिखूंगी देन दिस वन ओके इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा एक्स रेस टू पार माइनस वन बाई टू प्लस वन दैट विल बी इक्वल टू वन बाई टू और नीचे डिनोमिनेटर में भी के आ जाएगा वन बाय टू दैट विल बी इक्वल टू टू अंडर एक्स सो सी इट इज वेरी इजी सिंपल क्या करना है जो भी पार दी हुई है उसमें वन प्लस करो और वही पार को उठा के नीचे लिख लो सो दिस इज अ सेकेंड रूल एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल यही आपका जो बेसिक रूल है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल ये है आपको ये चीज ध्यान रखनी है पार में प्लस वन करो और वही चीज़ के नीचे लिख दो और अगर आपके पास कॉन्स्टेंट है जैसे मैंने आपको ये बताया टू एक्स क्यूब है अगर आपके पास टू एक्स क्यूब होगा उसको इंटीग्रेट अगर करना है तो कॉन्स्टेंट हमको हम बाहर निकालेंगे जैसे यहाँ पे है, टू एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकालो एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जो भी पार दी हुई है उसमें प्लस वन करो वही चीज को उठा के नीचे लिखो टू एज इट इज साथ में चल ही रहा है देन आंसर विल बी टू मल्टीप्लाई फोर एंड एक्सरेज टू पार फोर कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा आंसर एक्स रेज टू पार फोर बाय टू सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर तो दीज आर द बेसिक रूल्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड बाकी नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं ओके okay. सो so, uh, कुछ और फार्मूलाज हैं जो हमें पढ़ने हैं इन फॉर्मूलाज को लर्न करने का इजीएस्ट वे ये है कि अगर आपको डिफ्रेंशिएशन के फार्मूलाज आते हैं तो ये क्या है रेसिप्रोकेशन है तो यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर हम लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं देन आंसर विल बी वन बाय एक्स तो यहाँ पे क्या है वन बाय एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा लॉग एक्स इन दिस वे यू कैन लर्न दिस टाइप ऑफ फार्मूलाज सो फर्स्ट फार्मूला इज दिस सेकेंड फार्मूलाइज इज अबाउट कॉस एक्स अगर आपको कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन आंसर विल बी साइन एक्स इन केस ऑफ साइन एक्स अगर साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स देन आंसर विल बी माइनस कॉस एक्स और सेकेंड स्केयर एक्स का अगर आपको याद होगा कि हम टेन एक्स को जब डिफरेंशिएट करते थे आप करते थे तो आपके पास आंसर आता था सिकेंड स्केयर एक्स तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है बिकॉज वी नो नो दैट इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन सो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वो फंक्शन आएगा तो सेकेंड स्केयर को अगर इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी तो आपके पास टेन एक्स आता है ऐसे ही यहाँ पे है अगर आपके पास ई रेज टू पार एक्स है एक्सपोनेंशियल टर्म है अगर उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास वो टर्म एज इट इज़ आएगी डेरिवेटिव में भी हमने यही पढ़ा था नाइन्थ में क्या है अगर आपके पास कोसेकेंड स्केयर एक्स है तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी माइनस कॉट एक्स ओके उसके बाद जो टेंथ फार्मूला है क्या है सेकेंड एक्स टेन एक्स देन इट विल बी इक्वल टू सेकेंड एक्स को सेकेंड एक्स कॉट एक्स अगर आपके पास इंटीग्रेट करने के लिए आता है तो उसको आपके लिखे वो लिखोगे लिएक माइनस कोसेकेंड एक्स उसके बाद टेन एक्स अगर को इंटीग्रेट करना है तो इसके दो फार्मूलाज हैं अगर आपको वो कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा नेगेटिव लॉग कॉस का मैग्नीट्यूड प्लस सी सी कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है तो अगर आपको उसको साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको सिंपल लॉग साइन एक्स प्लस सी लिखना है एंड थर्टीन फार्मूलाइज अगर आप कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन आंसर विल बी लॉग साइन एक्स सो दीज आर द फॉर्मूलाज विच यू हैव टू लर्न इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो If you want you can take a screenshot of this then we will practice some questions regarding these, these kind of formulas. ओके सो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास फंक्शन के अंदर ही एक फंक्शन दिया हुआ है जैसे हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था कि अगर आपको साइन थ्री एक्स दिया हुआ है कोई भी फंक्शन साथ में दिया हुआ है तो उसको डेरिवेटिव कैसे करना था साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस थ्री एक्स और थ्री एक्स आपका दोबारा से एक फंक्शन है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपका आंसर वहाँ पर थ्री आता था तो इसका आंसर क्या आएगा थ्री कॉस थ्री एक्स ये आपका आंसर आता है अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या करते थे जो भी फंक्शन है उसको डेरिवेटिव करते थे और उसको मल्टीप्लाई में लिखते थे ये हमने पढ़ा इन डिफ्रेंशियशन सेम इन केस ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपके पास साइन थ्री एक्स है और उसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करना क्या है हमें पता है कि साइन एक्स जो है उसकी इंटीग्रेशन आती है माइनस कॉस एक्स तो वहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माइनस कॉस थ्री एक्स तो हमारे पास दोबारा से जो थ्री एक्स है इट इज़ अगेन अ फंक्शन तो ये जो हमारा दोबारा से फंक्शन है इसको दोबारा से हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट ही करेंगे और उसको मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखनी है अगर आपका दोबारा से फंक्शन दिया हुआ है साइन और कॉस के साथ तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट ही करना है कर हम इंटीग्रेशन ही रहे हैं पर उस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट ही करेंगे और उसको हम क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो यहां पे इसका आंसर आएगा दैट विल बी माइनस कॉस थ्री एक्स बाय थ्री सी सो दिस इज अ डिफरेंस पे मल्टीप्लाई में आ रहा है यहां पे थ्री डिवाइड में आ रहा है सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसका एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इफ द फंक्शन इज लाइक इन दिस फॉर्म ई रेज टू पार थ्री एक्स एंड वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस थिंग सो करना क्या है सेम इसका हमें पढ़ा कि इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एज इट इज लिखना है और जो ऊपर जो पार है इसको दोबारा से क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन पड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं और उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा सो आंसर विल बी ई थ्री एक्स बाई थ्री ओके आई होप दिस थिंग इज क्लियर अगर यहाँ पे ये यह होता x रेस टू पार क्यूब होती अगर टर्म यहाँ पे x रेस टू पार क्यूब होता तो इंटीग्रेट कैसे करते सेम वही फंक्शन आता पहले x रेस टू पार क्यूब और यहाँ पे हम x क्यूब को क्या करते इंटीग्रेट करते सॉरी डिफ्रेंशिएट करते तो आंसर क्या आता पार आगे पार में से वन माइनस सो आंसर विल बी e रेस टू पार थ्री एक्स सॉरी एक्स क्यूब यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं एक्स क्यू और नीचे क्या आ जाता है थ्री एक्स केयर सो सी बस हमें यहाँ पे अब यहाँ पे यही चीज़ है ना इंटीग्रेशन तभी कर पाओगे अगर डेरिवेटिव आता होगा तो डेरिवेटिव वाली वीडियोस पहले देखो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंटीग्रेशन क्योंकि बिकॉज फॉर्मूलाज भी इंटरलिंक्ड हैं और यहाँ पे डेरिवेटिव भी इंप्लीमेंट हो रहा है तो ये यह चीज़ ध्यान रख दिए अगर आपको फंक्शन के अंदर ही फंक्शन है तो उस फंक्शन का जब भी हम क्या करेंगे पहले इंटीग्रेट कर देना तो दोबारा फंक्शन होगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे सो दिस इज अबाउट द इंटीग्रेशन ओके सो अब तक हमने जो भी फॉर्मुलास पढ़े हैं उसको इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू तो सबसे पहले मैं ये हर इंडिविजुअल टर्म को इंटीग्रेट करना चाहती हूँ तो सबको अलग अलग लिख लो एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस टू एक्सर को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस टू एज टू को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस वन बाई एक्सक्र को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस साइन टू एक्स को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ठीक है तो वन बाय वन सबको इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्स क्यूब को एक्स क्यूब को इंटीग्रेट जब करना है तो हमने पढ़ा इस केस में क्या करना है पार में क्या कर दो एक प्लस कर दो और वही चीज़ उठा के नीचे लिखनी है ये इंटीग्रेशन हो गई माइनस इसमें टू बाहर निकालेंगे एक्स कीयर बचेगा एक्स कीयर को जब इंटीग्रेट करोगे प्लस वन करो और वही चीज़ उठा के नीचे लिख दो ये पढ़िए उसके बाद यहाँ पे सेम टू बाहर निकालेंगे तो वन बचेगा वन में अगर वन को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो एक्स तो ही आ जाएगा सी और यहाँ पे क्या आएगा एक्स केयर है एक्स केयर डिनोमिनेटर में अगर उसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे दैट विल बी एक्स माइनस टू तो एक्स माइनस टू आएगा इसमें प्लस वन करेंगे और वही सेम चीज उठा के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे मैं वही करने वाली हूँ एक्स माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन एज सेम नीचे लिखूंगी ओके okay. और साइन टू एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता क्या होती है माइनस कॉस टू एक्स टू एक्स को जब द्वारा डिफरेंशिएट करना है तो डिनोमिनेटर में लिखना है तो हम इसको डिफरेंशियट करेंगे टू एक्स को और इसको क्या करना है डिनोमिनेटर में लिखना है सो so, इसको आंसर मॉडिफाई करते हैं एक्स रेज टू पावर फोर देन फोर माइनस टू एक्स क्यूब बाई क्यूब प्लस टू एक्स प्लस एक्स टू माइनस वन वन बाय माइनस माइनस कॉस टू एक्स बाय टू सो सी दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल वन इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक इंटीग्रेशन ये भी बहुत वास्ट नहीं है बहुत ही सिंपल सी और बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ाई है मैंने रूल्स मेन आप इंटीग्रेशन की याद कर लो जैसे भी फिजिक्स में हम कंटिन्यू करेंगे कोई भी डेरिवेशन आती है तो वहाँ पे हम कैसे फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो तभी समझ में आएगा अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन आती होगी या बेसिक डिफ्रेंशिएशन आती होगी तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट अगर आपको सब्सिट्यूशन मेथड अप्लाई करना हो या आपको कोई और मेथड है उसे इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करनी है कुछ और फार्मूलाज पढ़ेंगे सो फॉर टुडे दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एंड नाउ स्टे होम स्टे सेफ एंड टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू लाइकिंग माई कंटेंट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़